সুরাত আদালতে দোষী সাব্যস্ত রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধী দু বছরের সাজা ঘোষণার পর ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন তিনি। রাহুলকে উচ্চ আদালতে আবেদনের জন্য 30 দিন সময় দেওয়া হয়েছে। সাংসদপদ টিকিয়ে রাখতে হলে সাজায় স্থগিতাদেশ প্রয়োজন। কর্ণাটকে বদির পদবি নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ, 2019 প্রচারে বদির নামে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ। রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন গুজরাতের বিজেপি নেতা। সুরাত আদালতে দোষী সাব্যস্ত রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধী দু বছরের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। সাজা ঘোষণার পর কংগ্রেস সাংসদের জামিন, রাহুলকে উচ্চ আদালতে আবেদনের জন্য 30 দিন সময়, সাংসদ পদ টিকিয়ে রাখতে সাজায় স্থগিত। ভেরিকোস ভেইনের ব্যথাহীন চিকিৎসা এখন কলকাতায়। যোগাযোগ করুন 9154089451 নম্বরে। দেশ প্রয়োজন। কর্ণাটকে মোদির পদবি নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ এবং 2019 প্রচারে মোদির নামে যে অবমাননাকর মন্তব্য, তারই পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাতের এক বিজেপি নেতা তিনি এই মামলা করেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সুরাত আদালতে দোষী সাব্যস্ত রাহুল গান্ধী। রাহুলকে দু বছরের সাজা ঘোষণা। রাহুলকে উচ্চ আদালতে আবেদনের জন্য 30 দিন সময়। সাজা ঘোষণার পর কংগ্রেস সাংসদের জামিন, সাংসদ পদ টিকিয়ে রাখতে সাজায় স্টে অর্ডারের প্রয়োজন। কর্ণাটকে বদির পদবি নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগ। 2019 লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে কর্ণাটকের খুলনামে যে মন্তব্য করেছিলেন রাহুল গান্ধী, তার পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাতে বিজেপি নেতা রাহুলের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সুরাত আদালতের দোষী সাব্যস্ত করা হলো তার আদালতের তরফ থেকে রাহুল গান্ধীকে। এবং রাহুল গান্ধীর দু বছরের সাজা ঘোষণা। যদিও সাজা ঘোষণার পর কংগ্রেস সাংসদের জামিন, রাহুলকে উচ্চ আদালতে আবেদনের জন্য 30 দিন সময় দেওয়া হলো। সাংসদ পদ টিকিয়ে রাখতে হলে সাজায় স্টে অর্ডারের প্রয়োজন। 2019 সালে যে মন্তব্য করেছিলেন মোদির পদবি নিয়ে, সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাতের বিজেপি নেতা মামলা এবং তারপর সুরাত আদালতে দোষী সাব্যস্ত রাহুল গান্ধী। সবটো সম্পর্কে আমরা আরো জানবো, কথা বলবো অঙ্কুর ত্যাগে। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি। অঙ্কুর, এই পুরো মামলা কি আছে? देखिए, फिलहाल ये जो मामला है ये साल 2019 का है। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में एक चुनावी सभा हो रही थी। ये वो वक्त था जब लोकसभा इलेक्शंस चल रहे थे। राहुल गांधी ने एक उस वक्त अपने भाषण में एक सेंटेंस कहा था, क्यों सारे चोर मोदी ही सरनेम वाले होते हैं। और यहीं से पूरा विवाद पैदा होता है। इसके बाद जो यहाँ के लोकल विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने सूरत के ही यहाँ पर एक FIR दर्ज करवाई और डिफॉर्मेशन का केस करवाया IPC के सेक्शन 499 और 500 के तहत। और उसी के बाद ये पूरे मामले का ट्रायल चला। 3 बार ऐसा हुआ जब पेशी के दौरान राहुल गांधी को सूरत आना पड़ा, या चौथा मौका था, आज वर्डिक्ट डे था, ऑर्डर सुनाना था कोर्ट को। बकायदा दोनों ही पक्षों के बीच में फाइनल जब आर्ग्यूमेंट रखा गया, उनमें दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। डिफेंस तो साफ तौर पे कहना था कि जब उन्होंने अपना सेंटेंस बोला तो उसका मतलब रेफरेंस में पूरी मोदी कम्युनिटी नहीं थी, उनका मतलब था नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका मतलब था नीरव मोदी जो भगोड़ा है इस देश का, और ललित मोदी जो IPL के पूर्व कमिश्नर और चेयरमैन रहे हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था। जबकि पूरी जो कम्युनिटी है, मोदी कम्युनिटी, उसको लेकर सेंटेंस नहीं कहा गया था। और दूसरा यह कि क्यों इस मामले में बार बार जो लोकल विधायक हैं वो इस मामले को आगे रख रहे हैं जबकि उनके बारे में बात भी नहीं की गई है। और इस तरह के कई सारे आर्ग्यूमेंट और इससे जुड़े हुए कई सारे पुराने जो मामले हैं जो अलग अलग अदालतों में चले हैं उनको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे रखा गया था। जबकि जो PP हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अपनी तरफ से रखा था, जो आर्ग्यूमेंट रखा था, उन्होंने कहा था कि जो पूरी कम्युनिटी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल करना बेहद आपत्तिजनक है और इसीलिए डिफॉर्मेशन केस यहां पर दिया गया है। इसके अलावा जो राहुल गांधी हैं वो एक सांसद भी हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है सार्वजनिक मंचों पर, वो कोई भी बात रखते हैं तो उनको बहुत सोच विचार कर अपनी बात रखनी चाहिए। और इसके बाद अदालत ने आज का जो दिन था वो उसको मुकर्रर रखा था कि इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। राहुल गांधी आते हैं और महज कुछ मिनटों के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है। जिन डिफॉर्मेशन की जो सेक्शंस हैं IPC के 499 और 500, उनमें मैक्सिमम सजा का जो प्रावधान है वो 2 साल का है। अदालत
राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाती है, यानी मैक्सिमम जो सजा है वो राहुल गांधी को सुनाई जाती है। हालांकि इसी अदालत से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है और अब उनके पास 30 दिन का वक्त है, यानी 30 दिनों में उनको हायर कोर्ट में जाना होगा, हाई कोर्ट में जाना होगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी। उनको बताना होगा कोर्ट को कि वो इस फैसले से सहमत नहीं है और ये फैसला उनके हिसाब से गलत है और वो इस पूरे मामले में कन्विक्टेड नहीं होना है, तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो फिलहाल आज पूरा दिन का घटनाक्रम राहुल गांधी के संदर्भ में सूरत में घटा है। জি অঙ্কুর শুক্রিয়া। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কুর ত্যাগীর সঙ্গে, আর এই গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধীর আইনজীবী তরফ থেকে কি বলা হচ্ছে এবং কিরণ রিজিজু তিনি বা কি বলছেন আপনাদেরকে শোনাবো পরপর। राहुल जी को आईपीसी के कलम 400 नंबर ने और 500 के नीचे सजा सुनाई गई है, उसको कन्विक्शन कर दिया है और 2 साल की सजा फरमाई गई है, 2 साल की सजा कर दी गई है और उसको जो 2 साल की सजा है कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और जामीन दे दिया है। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।